नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ एमएमआर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज कैनन पिक्समा प्रिंटर। इसकी पूरी सविस्तर स्टेप वाइज जानकारी, ड्राइवर इंस्टॉल करना, प्रिंटर का स्कैनिंग जो फीचर है वो कैसे यूज करना है, और साथ ही में ब्लैक एंड वाइट कलर कैसे प्रिंट आउट लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे खास इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा ही इस चैनल पे डालते रहता हूं। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबा दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट स्टेप आपको करनी चाहिए वो है आपका जो कैनन का प्रिंटर है उसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है अभी ये कंस्टेंट हो जाएगी थोड़ी देर में, जैसे आपका जो कैनन का प्रिंटर है ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, और इनिशियलाइज होने के बाद देखिए इस तरीके से ये लाइट कंस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब है आपका प्रिंटर अभी पूरी तरीके से सेट है और रेडी टू यूज है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो है आपका जो प्रिंटर का यूएसबी केबल है वो आपको पीसी पे इस तरीके से अटैच कर देना है। जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो है एप्लीकेशन और ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, और ये करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी एप्लीकेशन और ड्राइवर्स डाउनलोड कर रहे हैं वो कैनन के ऑफिशियल वेबसाइट से होना चाहिए। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम में दोस्तों आपको टाइप करना है कैनन पिक्समा, और जो भी आपका प्रिंटर का मॉडल नंबर है, मेरा प्रिंटर का मॉडल नंबर है G2012। यहां पे स्पेस दे दे ड्राइवर्स डाउनलोड। देखिए फर्स्ट सजेशन जो है वो थर्ड पार्टी सजेशन है, तो हमें थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से परहेज करना है। सेकंड सजेशन आल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी, सो वी डोंट वांट दैट। और जो नीचे जाने के बाद इन डॉट कैनन करके हैं, ये उनका ऑफिशियल डाउनलोडिंग वेबसाइट्स है, सपोर्ट वेबसाइट, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। हियर वी गो। और जो पूरा पैकेज है सॉफ्टवेयर पैकेज, ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही बंडल में है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोडिंग नीचे स्टार्ट हो चुका है, और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट ये थोड़ा समय लगेगा, सो पेशेंस रखिए तब तक। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन का पैकेज डाउनलोड हो चुका है, इसे मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके, इस पे डबल क्लिक करते हैं दोस्तों जो सेटअप है, और यहाँ पे आपको डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, यस पे क्लिक करें। इस तरीके का उनका जो सेटअप का फर्स्ट इंटरफेस है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मॉडल चाहे कोई भी हो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है अक्रॉस द ऑल मॉडल्स कैनन पिक्समा के सारे प्रिंटर्स के लिए। कैनन के ऑफिशियल वेबसाइट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसे एक्सेसिबल कर पाएंगे। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करें। बिफोर यू कंटिन्यू यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें।
सो ऑलराइट, यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आपको यस क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। टेस्ट प्रिंट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, जब तक आप नहीं चाहते कि आपका एक पेज वेस्ट हो, तो यहाँ पे ये स्किप कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, सेटअप कंप्लीट, नेक्स्ट। और यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। माई इमेज गार्डन ये इनका ही खुद प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है, जिसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्विक मेनू की ज़रूरत नहीं है, इजी वेब प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे सारे चीज़ें अनचेक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर। प्रोसेसिंग प्लीज वेट। ओके, अगला स्टेप जो है दोस्तों, वो प्रिंटर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो आप स्किप कर सकते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने सक्सेसफुली जो एप्लीकेशन और ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर प्लस ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पे एग्जिट पे आपको क्लिक कर देना है। और जो भी ब्राउज़र आपने ओपन किया था, उसे भी आप क्लोज कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं प्रिंट आउट कैसे निकालनी है। सो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट पे क्लिक करना है आपको, कंट्रोल पी से भी आप ये कर सकते हैं। और दूसरा जरिया होता है प्रिंटर में जाके प्रिंट ऑप्शन देना। यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है वो कैनन का सिलेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए विंडो प्लस आर, रन बॉक्स के लिए, और रन बॉक्स में जाने के बाद कंट्रोल टाइप कर दें। इसमें आपको प्रिंटर्स एंड ड्राइवर्स और जो भी आपका कैनन का प्रिंटर है यहाँ पे आपको शो करेगा, उस पर आप राइट क्लिक करना है और सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ वार्निंग मैसेज जो है, विल स्टॉप मैनेजिंग डिफॉल्ट प्रिंटर, दैट इज ओके, इग्नोर कर दो और ओके पे क्लिक कर दें। हियर वी गो। सो इस तरीके से आपका जो प्रिंटर है वो डिफॉल्ट सेट हो चुका है, और आगे जाके आप जब भी प्रिंट आउट्स देंगे तो बाय डिफॉल्ट इसी प्रिंटर पे आपके प्रिंट आउट्स जाएंगे, भले आपके घर में एक से ज़्यादा प्रिंटर्स अवेलेबल हो। सो सेट एज डिफॉल्ट हमने कर दिया है, और कंट्रोल पी दबाते हैं, ये प्रिंटर अभी ग्रीन यहाँ पे है, प्रिंटर रेडी है, और प्रिंट पे शूट कर देते हैं और देखते हैं कि अपना जो प्रिंट आउट्स है वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। ओके, प्रिंट आउट पे क्लिक कर दिया है मैंने, और स्क्रीन पे आपको कलेक्टिंग प्रिंटर स्टेटस ये आपको दिखाई दे रहा है, प्रिंटर इज ऑनलाइन। और देखते हैं अपने प्रिंटर पे कुछ हलचल होती है या नहीं। तो अभी तक हमने देखा कैसे आप नॉर्मल प्रिंट आउट्स अपने कैनन पिक्समा प्रिंटर पे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कलर पेजेस को आप ब्लैक एंड आउट प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो इंक है वो भी सेव हो, और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आप सिर्फ कलर प्रिंट आउट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज है, यहाँ पे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, और कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे अभी शो करेगा जो प्रिंट आउट्स आएगी प्रिंट प्रीव्यू में कलर आएगी। सो इसे हमें कैसे ब्लैक एंड आउट में कन्वर्ट करना है। सो कंट्रोल पैनल में आपको जाना है, कंट्रोल पैनल आपके डेस्कटॉप पे होगा, नहीं तो आप विंडो प्लस आर दबाइए, रन बॉक्स में आपको कंट्रोल टाइप करना है, एंटर दबाना है, उसके बाद डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर आपको रुक करना है, और जो भी आपका प्रिंटर है उसे राइट क्लिक करना है, प्रिंटिंग प्रिफरेंसेस इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है,
और जितने भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ फोटो प्रिंटिंग को छोड़ के सारे ऑप्शंस को आपको ग्रे स्केल, ये जो ग्रे स्केल है इसे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जो आपका कलर प्रिंट आउट्स है वो ब्लैक एंड वाइट में जाएगा ताकि आपका जो इंक है वो यहाँ पे सेव हो जाए। ग्रे स्केल फोटो प्रिंटिंग के लिए आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोटो हमेशा हम लोग कलर में ही प्रिंट आउट्स लेना पसंद करते हैं। सो लीव दैट। बिजनेस में भी आप ग्रे स्केल प्रिंटिंग ही रखें, पेपर सेविंग ग्रे स्केल, एनवलप यहाँ पे कोई ऑप्शन है तो हम लोग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें ग्रे स्केल का ऑप्शन है इसलिए हम लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं। अप्लाई पे क्लिक करें, ओके दबा दें, यहाँ क्लोज कर दें। चलिए अभी देखते हैं कोई भी एक प्रिंटआउट्स देखें। कंट्रोल टी, यहाँ पे पेजेस में दोस्तों आप 1 out of 1 लीजिए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट का। तो हमें जो प्रिंट आउट्स लेना है वो ब्लैक एंड वाइट में चाहिए और सिर्फ एक ही पेज चाहिए इसलिए हमें यहाँ पे 1 of 1 ले लिया है। अगर आपको ढेर सारे पेजेस में से किसी पर्टिकुलर पेज का ही प्रिंट आउट चाहिए तो वो ऑप्शन यही है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मुझे सिर्फ सेकंड पेजेस का चाहिए तो आप यहाँ पे 2 of 2 टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप 2 of 2 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही पेज सिलेक्ट होगा और प्रिंट पे एंटर दबा दीजिए। यही चीज़ दोस्तों एक आधी PDF फाइल अगर है तो मैं उसके थ्रू आपको बताना चाहूँगा। ये दोस्तों PDF फाइल है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ लास्ट का पेज चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए और लास्ट पेज सिर्फ सिलेक्ट करें, पेज नंबर आपको यहाँ शो करेगा 6, मुझे 7th वाला चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सारे पेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे 7 of 7 टाइप कर देना है और बोथ साइड चाहिए या फिर सिंगल साइड चाहिए वो ऑप्शन से यहाँ पे। अगर आपको बैक टू बैक चाहिए तो बोथ साइड सिलेक्ट करें, सिंगल साइडेड चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट ऑन वन साइड रखें, ब्लैक एंड वाइट चाहिए या फिर कलर चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट लीजिए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अगला जो स्टेप्स है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग करने के लिए दोस्तों आपको ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद IJ स्कैन यूटिलिटी, ये कैनन का प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है स्कैनिंग करने के लिए। आप विंडो प्लस क्यू कॉम्बिनेशन की दबा के भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। SCAN स्कैन, ये जब आप टाइप करेंगे तो आपको सजेशन में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसे आप राइट क्लिक करके अपने स्टार्ट मेन्यू में पिन कर लें और साथ ही में इसे राइट क्लिक करके आप पिन टू टास्क बार में भी पिन कर लें। और थर्ड चीज़ आप कर सकते हैं, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करना है और सेंड टू डेस्कटॉप। इससे आपके डेस्कटॉप पे इस एप्लीकेशन का हमेशा के लिए एक शॉर्टकट्स बना रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे स्कैन का ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो चुका है। और अभी स्कैन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और खास करके 2 ऑप्शंस आपको यूटिलाइज होंगे, बाकी के जो भी फीचर्स है वो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज़ करने की। इसमें जो मोटा मोटा है PDF, जब भी PDF फाइल आपको स्कैन करना है तो आप PDF पे क्लिक करें। मैंने PDF पे क्लिक किया है। और अगर उसी फाइल में दूसरा पेज आपको
क्लब करना है, मर्ज करना है, तो स्कैन ऑप्शन पे कंटिन्यू करें। अगर सेपरेट फाइल आपको बनानी है तो यहाँ पे एग्जिट करें। हियर वी गो, मैंने एग्जिट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो फाइल हमने स्कैन की है वो ओपन हो चुकी है। और जैसे मैं उसे ओपन कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं स्कैनिंग ये हो चुका है। फोटोज़ के लिए दोस्तों, स्कैनर के अंदर आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज़ है, वो अंदर रखना है। उसके बाद फोटोज़ पे क्लिक करना है। ओके, स्कैन हो चुका है, डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। हियर वी गो। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कैनन प्रिंटर का मजा लीजिए। अगर आपको कैनन प्रिंटर यूज करते समय कोई भी दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम जरूर ट्राई करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले किसी खास इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।